आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट ब्रेड. एक्चुअली ये ब्रेड रोल है, हम बना रहे हैं चीज एंड वॉलनट ब्रेड रोल. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मुट्ठी भर कैलिफोर्निया वॉलनट्स लिए हुए हैं. इसको मुझे बारीक पाउडर नहीं बनाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है. तो मैं चाकू से ही इसको काटूंगी, आप चॉपर से भी कर सकते हैं. और आपको पता है कि वॉलनट दिमाग के लिए तो बहुत अच्छा है ही, पर वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है एंड स्टमक के लिए भी उतना ही अच्छा है. तो दिन भर में अगर आप मुट्ठी भर वॉलनट्स कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है. और ये हल्के से रोस्टेड वॉलनट है, मतलब तवे पे ना ऐसे ही बिना ऑयल ऐड किए ही थोड़ा सा मैंने इसको रोस्ट कर लिया है. ये लीजिए, ये मैंने जो कैलिफोर्निया वॉलनट्स लिए थे वो बहुत अच्छे से चॉप हो गए. आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं. इसको मैं एक बोल में निकाल देती हूँ. अब बारी आती है ब्रेड का आटा बनाने की. यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा लिया हुआ है. आज मैं ये मैदे से बना रही हूँ, आप चाहो तो आटे से भी बना सकते हो, बट आटे की ब्रेड थोड़ी सी हार्ड होती है, उसका टेक्सचर थोड़ा सा डेंस होता है. मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आटा यूज़ करना है तो आप हाफ एंड हाफ कीजिए, मतलब हाफ मैदा एंड हाफ आटा. और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास इंस्टेंट वाला ईस्ट है, ये 1 टीस्पून है. इसको मैं एक साइड में ऐसे प्लेस कर देती हूँ. और उसी के साथ मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून शक्कर ले रही हूँ, ये भी मैं ईस्ट के साथ ही ऐड कर रही हूँ. और 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, पर मैं ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ऐड करूँगी, ईस्ट के ऊपर नमक नहीं ऐड करेंगे. अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बार मिला लेती हूँ. अब ये मेरे पास 250 ml पानी है, मैं ये पानी इसमें ऐड कर रही हूँ. ये बहुत ही सिंपल ब्रेड का डो बनने वाला है. इसमें ज़रा सा भी ऐसा नहीं है कि आपको 15-20 मिनट तक उसको गूंथते रहना है, बिल्कुल नहीं है. और ये पानी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नॉर्मल खाने का तेल. और अब ये सारी चीज़ों को मैं मिलाना शुरू करती हूँ. हम बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वाली ब्रेड में नहीं बना रही हूँ. मैं आज ये कैलिफोर्निया वॉलनट्स के साथ ब्रेड रोल बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत ही सॉफ्ट डो चाहिए. ये देखिए, ये मैंने बहुत ही पतला वाला डो रेडी कर दिया है. बस हमें ऐसे ही ये डो को छोड़ देना है और इसको मैं कम से कम 1 घंटे के लिए ढक के कोई वार्म सी जगह पे छोड़ दूंगी. पर 30 मिनट्स के बाद ना एक बार वापस से इसको मिला लेंगे और फिर हम छोड़ देंगे. तो टोटल 1 घंटा हमें इसको छोड़ देना है ताकि ये डबल साइज में फूल जाए. ये देखिए, ये डो कितना अच्छा फूल चुका है. बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि 30 मिनट के बाद मैंने इसको एक बार वापस से मिक्स कर लिया था और फिर 30 मिनट्स के लिए वापस छोड़ दिया. तो ये बहुत अच्छी डबल साइज का हमें डो मिल चुका है. अब हम बनाते हैं ये ब्रेड में से ब्रेड रोल. अब ये डो को मैं एक मैट पे ले लेती हूँ. एक्चुअली आपको पता है ये एक मिथ है कि वॉलनट को गर्मियों में नहीं खा सकते हैं या तो फिर भिगा के खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. 6 से 7 पूरे वॉलनट अगर आप खा लो पूरे दिन के लिए तो आप एकदम सेट हो. अब मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले लेती हूँ, ये मैदा. और अब ये आटे को लेके एक बार ऐसे पलट देंगे और पीछे की तरफ भी मैं ये सूखा वाला मैदा डस्ट कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं. एक्चुअली मैं ये इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि दोनों तरफ डस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं तो आज ये काम मैट पे कर रही हूँ तो नीचे नहीं चिपकता है, पर अगर आप किचन टेबल पे कर रहे हो तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ डस्ट कीजिएगा, वरना वो तुरंत ही नीचे चिपक जाएगा. अब मैं एक बेलन ले लेती हूँ और ये जो हमने आटा फैलाया है उसको मैं ऐसे बेल के, जैसे आलू के पराठे की थिकनेस कैसी होती है ना, बस वैसी थिकनेस पे मुझे ये आटा बेलना है. अगर ये जो आपका आटा है, ये डो है, आपके हाथों में अगर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऐसा तेल वाला हाथ करके आप आराम से ये डो को फैला सकते हैं.
मेरे पास ये प्रोसेस चीज़ है, मैं एक्चुअली वॉलनट एंड चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही आप छोटा सा क्यूब का टुकड़ा लेके वॉलनट के साथ खाएंगे ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये ब्रेड रोल्स के लिए मैंने चीज़ एंड वॉलनट कॉम्बिनेशन लिया था। और आपको पता है, वॉलनट को स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक एयरटाइट कंटेनर में आप वॉलनट को भर लीजिए और उसके बाद उसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। पूरे साल वो बहुत ही फ्रेश रहते हैं। मैंने ये 3 चीज़ क्यूब्स लिए थे और अब ये कैलिफोर्निया वॉलनट्स लेके मैं ये ऐसे ही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ। एक्चुअली ये टोटली ऑप्शनल है, आपके बच्चे को आपको तीखा नहीं खिलाना है तो ये स्टेप आप अवॉइड भी कर सकते हैं। प्लेन चीज़ एंड वॉलनट भी बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ में बहुत नमक होता है। और अब मैं इसके रोल्स बनाती हूँ। पहले ये साइड्स को मैं थोड़ा सा अंदर फोल्ड कर लेती हूँ दोनों तरफ से, और अब ये साइड से मैं रोल फोल्ड करना शुरू करती हूँ। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपका हाथ बहुत चिपक रहा है, उसी टाइम पे या तो आप सूखे मैदे में हाथ को डस्ट कर लीजिए या तो थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। आज मैं ये जो ब्रेड रोल्स है उसको बेक कर रही हूँ ये पैन के अंदर, वो भी अवन में। ये मेरे पास जो पैन है ये अवन प्रूफ पैन है, तो मैं सीधा इसमें ही बेक कर रही हूँ। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप केक के टिन में बेक कर सकते हैं। कोई भी घर में अगर आपके पास थाली है एल्यूमिनियम की, स्टील की, आप उसमें भी बेक कर सकते हैं। अभी मैं ये रोल्स को कट कर लेती हूँ, तो मैं चाकू पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ताकि ये आराम से हम कट कर पाए। ये देखिए, ऐसे कट करके मैं सीधा ही ये पैन में प्लेस कर दूँगी। आप चाहो तो इस तरह से एक जो ब्रेड टिन आता है उसमें भी बेक कर सकते हो। इसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और सेम तरीके से हम ये वाले रोल्स को प्लेस कर देंगे। अब हर रोल के ऊपर मैं ये थोड़ा सा ऑयल वाला ब्रश लगा देती हूँ। बहुत ही हल्का सा ब्रश लगाना है आपको ऑयल वाला। एक्चुअली मैं इस टाइम पे दूध एंड पानी मिक्स करके नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हमने जो ये ब्रेड डो बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा पतला बनाया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है और ऊपर से और हम मॉइस्चर ऐड करेंगे तो ब्रेड रोल जो है वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा। अब एक क्यूब लेके मैं ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे श्रेड करके चीज़ डाल देती हूँ। ऊपर वाला जो चीज़ है वो जब बेक होगी ब्रेड तो थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाएगा और वो क्रस्ट बन जाएगा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़े से और ये कैलिफोर्निया वॉलनट्स मैं ऊपर भी ऐसे ऐड कर देती हूँ ब्रेड पे, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऑन द टॉप, और ये कुछ मिक्स हर्ब्स है, ये टोटली ऑप्शनल है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मैं इसको ओवन में बेक करने जा रही हूँ। मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था, ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स प्री हीटिंग के लिए छोड़ दिया है, और ब्रेड को बेक होने के लिए आराम से 20 टू 25 मिनट्स लगेंगे। 25 मिनट्स हो गए हैं, मैं एक बार ब्रेड को चेक कर लेती हूँ। जैसे ही ब्रेड ओवन से बाहर आती है वैसे तुरंत ही उसके ऊपर ऑयल या बटर का एक हल्का सा ब्रश लगाना ज़रूरी होता है ताकि ब्रेड के ऊपर एक शाइन आ जाए। वॉलनट एंड चीज़ की वजह से ब्रेड के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्रस्ट आ गया है। अभी ये ब्रेड बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अब थोड़ी सी वो ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। इससे परफेक्ट ब्रेड हो नहीं सकती है, बहुत ही अच्छी ब्रेड बनी है। ये ब्रेड को जनरली मैं सर्व करती हूँ ये ऑलिव ऑयल के साथ, मतलब कि ब्रेड को आप ऑलिव ऑयल में डिप करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एज इट इज़ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है ऑलिव ऑयल में डिप करके, चाय या कॉफ़ी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और कोई भी आप सूप बना ले उसके साथ अगर ये ब्रेड आप सर्व कर देंगे ना तो बच्चे एकदम ही फट करके वो सूप को चट कर जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है कैलिफोर्निया वॉलनट्स एंड चीज़ ब्रेड। एक ये ब्रेड को कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ब्रेड के अंदर चीज़ एंड वॉलनट के लेयर्स आपको दिख रहे हैं। दिस इज़ द परफेक्ट ब्रेड, और अंदर से भी देखिए कितनी अच्छी बेक हो गई है, बहुत अच्छे जाली वाली ब्रेड बनी है। आज तो वैसे घर पे सूप बना नहीं है,
ऐसे ही मैं ऑलिव ऑयल में डिप करके खाती हूँ। ये देखिए बीच में से चीज, कैलिफोर्निया वॉलनट्स, अमेजिंग। वो जो बीच में क्रंच आता है ना कैलिफोर्निया वॉलनट का, परफेक्ट।